साहित्य के एक अनोखे व्यक्तित्व को हम आपके सामने ला रहे हैं जिस पर पर्दा पड़ चुका है, आज उन्हें कोई नहीं जानता। उनकी रचनाएं कभी प्रकाशित हुई, विश्वनाथ उपाध्याय उर्फ अधिकारी जी। जी हाँ, ये श्री मूर्ति के मित्र थे और इनके सामने जो है इनकी मित्रता और इनके विद्वता को जो है माना है गोपाल सिंह नेपाली ने, राजा मेहदी अली खान ने, सोम ठाकुर ने, इत्यादि हस्तियों ने जो है इनको जो है स्थान दिया है। और यह इनकी इनकी रचनाएं फिल्मों में आई, कई जगह पे आई, लेकिन यह कभी भी जो है प्रकाशित नहीं वाले हो पाने के कारण यह जो है साहित्य से दूर रहे। श्री विश्वनाथ उपाध्याय अधिकारी जी, मैं आज उनके आपको उनके घर पर लेकर चल रहा हूँ, उनके परिवार के लोगों से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आज हम संपदा टीम जो है साहित्य के एक बहुत बड़े जो है रचनाकार का नाम जो अब समाप्त हो चुका है, वो सामने नहीं है, उसे हम सामने ला रहे हैं। आज संपदा की टीम ग्राम बरेजी में एक दबे हुए इतिहास को लेकर के आई है जिसे ओपन करना है। आपको बताएं, श्री विश्वनाथ उपाध्याय एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो हमारे साहित्य से जुड़े रहे, लेकिन यह नाम दब गया। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, रचनाएं प्रकाशित नहीं हो पाई, इसलिए यह नाम दब गया। इन्होंने तमाम फिल्मों में गीत लिखे, वो फिल्में अधिकांश रिलीज नहीं हो पाई, यह नाम दब गया। हमेशा की तरह से एक साहित्य को और एक रचना को है दबाया गया। आज हम उनके दरवाजे पर हैं, स्वर्गीय विश्वनाथ उपाध्याय के। हम सबसे पहले मिलने जा रहे हैं उनके पुत्र से, यह जानना चाहेंगे कि कौन सी चीज और किन परिस्थितियां, क्या परिस्थितियां रही कि इतना बड़ा इतिहास आज इस बरेजी में दबा हुआ है। तो हम सीधे आ रहे हैं शंकर उपाध्याय जी के पास। हाँ भैया, आप हमें बताइए जरा सा कि आप तो उनको देखे होंगे। जी देखे हैं। उनका व्यक्तित्व तो कैसा था पहले मुझे बताइए। व्यक्तित्व तो उनको गृहस्थी के आश्रम था उनका। हाँ। जीवन गृहस्थी में बिताए अपना किसी तरह से, और उनकी जगह इतना मनो पैसा कौड़ी नहीं था कि अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अपनी कविताओं को अच्छे अच्छे स्थलों तक पहुंचाएं। इसी अभाव में वो नहीं, पैसे की कोई अभाव में नहीं वो पहुंच पाए वहां तक, इसीलिए वो हर अपने अथी से पिछड़ गए। नहीं तो उनका भी आज नाम बहुत आगे बढ़ होता। उनके कितने लड़के हैं? उनके लड़के तीन हैं। इसमें बड़े बड़े भाई शंभुनाथ उपाध्याय हैं और छोटे शंकर उपाध्याय और सबसे छोटे हैं हरिशंकर उपाध्याय। आपका नाम हरिशंकर उपाध्याय? नहीं, शंकर उपाध्याय। शंकर उपाध्याय जी, आप तो छोटे हैं। हरिशंकर जी छोटे हैं। हम थोड़ा सा उनकी कृतियों की तरफ ले चलेंगे, आप देखें उनकी विरासत जो है कैसे पड़ी हुई है। देखिए सब ये लिखे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये श्री विश्वनाथ उपाध्याय का चश्मा है। यह वही चश्मा है जिस चश्मे के द्वारा उन्होंने राजा मेहदी अली खां को देखा है, गोपाल सिंह नेपाली को देखा है, गीतकार प्रदीप को देखा है और लोगों ने उनको जो है तस्लीम किया है, सम्मान दिया है। ये चश्मे के साथ जो है हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले उनकी कुंडली। कुंडली भी है। ये कुंडली 1903 की है बनी हुई, जिसमें जो है हम चाहेंगे कि इस कुंडली को एक ऊपर से नीचे तक आप एक बार कैमरे से कवर कर लें। इस कुंडली में जो है आप स्पष्ट देख रहे हैं कि उनका जन्म जो है 1903 में दर्शाया गया है, अर्थात आज वो अगर रहते तो लगभग जो है शतक पार करने के बाद 116-17 वर्ष के होते। संपदा के इस विरासत के बाद जो आपको मैं बता रहा हूं उनकी रचनाओं पर, उनकी पांडुलिपियां मेरे पास हैं, आपको हम पांडुलिपि दिखाएं। ये उनकी एक रचना है जिसमें कम से कम दो, एक या तो महाग्रंथ बनेगा या एक बहुत बड़ी पुस्तक बनेगी। ये है विश्वनाथ उपाध्याय जी का, जिसमें बहुत ही अच्छी कविताएं जो हैं संकलित हैं इस पुस्तक में। इन पुस्तकों से और इन कविताओं को संपदा जो है विश्व पटल पर लाने का प्रयास कर रही है। ये सब उनकी पुस्तकें हैं जिनमें की उनकी कविताएं संकलित हैं। एक ये किए और ये है उनका पासबुक। ये
डाकघर पैना का है जो 10 रुपए में खुला हुआ है। ये 1977 का है। ऐसी महान विभूति को हम संपदा की टीम को जो है सामने लाने में गौरव महसूस हो रहा है। स्वर्गीय श्री विश्वनाथ बाबा जी का बारे में हम ये कह रहे थे कि वो श्री मोती बी बाबा जी के साथ वो भी रहते थे, उनके सहयोगी की तरह ही थे। ये भी कविता गजल गीत कविताएं लिखे हुए थे, पर बात यह है कि ये थोड़ा गिरस्त होकर घर बैठ गए, जिसके कारण थोड़ा ध्यान भटक गया और ये उस तरह आगे नहीं बढ़ पाए। इनकी लिखी हुई रचनाएं बहुत सारी हैं, कविताएं भी बहुत हैं, पर समय के साथ वो दबती चली गई। हम जानते थे कि वो गायकार थे, कुछ लिखते थे, मानो गरीबी के अवस्था में वो आगे नहीं बढ़ पाए अपने मजबूरी में अपने किसान के लिए कि हम कुछ कर पाए अपने जीवन के लिए, आगे बढ़ा पाए अपने बच्चों के लिए, कुछ आगे बढ़ा पाए। और उनका 3 बच्चे थे और 4 लड़कियां थी, वो उसमें भी परेशान थे कि मान हम कहाँ से उन लोग को शादी किए, कहाँ से कुछ भी करें। इसी व्यवस्था में वो भाई आगे बढ़ नहीं पाए कि माने चलो हम कुछ करके दिखाएं और कुछ अपना नाम बढ़ाएं। और उनका भी बच्चे भी आगे बढ़ने के बाद इस पर ध्यान नहीं दिए। हम श्री विश्वनाथ उपाध्याय जी को नमन करते हैं कि ये इतने महान कवि हुए, गजल लिखे हैं, रचना लिखे हैं, और श्री मोती बी उपाध्याय जी के साथ रहे हैं जो हमारे दादाजी थे और ये बड़े पापा जी होंगे, और ये दोनों जने मतलब एक साथ रह के कविताएं लिखे हैं। और मोती बी उपाध्याय जी तो आगे बढ़ चुके हैं लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि अपने गृहस्थी देखते हुए आगे चल नहीं पाए और वो अपनी रचनाओं को दबा दिए। लेकिन आज हम लोग सोचे कि इस रचना को जरूर निकालें और हम लोग आगे बढ़ाते हुए, आगे इस बात को रखते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि मतलब हम जो है आज पे गर्व महसूस कर। श्री विश्वनाथ उपाध्याय जी बड़े सरल सहज और सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे। उस समय जब गांव में खाने तक के भी लाले पड़ते थे, उस परिस्थिति में अपने पूरे परिवार बच्चों 3-3 4-4 बच्चियां 3-3 बच्चों का भरण पोषण करते हुए भी, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी, जो उनकी उच्च कोट की साहित्यिक साधनाएं रही, वो मैंने सुना है कि वो मिट्टी की जो दीवारें थी, जब आधी रात को जब चांदनी रात होती थी तो उस मिट्टी की दीवार पर वो खड़िया से जिसको गांव में भट्ठा कहते थे, उससे वो मिट्टी की दीवारों पर अपनी साहित्यिक साधना करते थे और कविताओं को लिखा करते थे। बाद में कुछ उन्होंने अपनी डायरी में उनको लिखा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उस समय कोई इस तरह का उनको मंच नहीं मिल पाया जिस तरह से उनकी कविताएं जो है वो समाज उससे लाभान्वित हो सके और उनको वो ख्यात मिल सके जिसके वो हकदार थे। ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा। इस दिशा में आपका प्रयास चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे वो एक अंग्रेजी साहित्य के एक कवि हुए हैं थॉमस ग्रे जी, उनकी एक इल्जी है रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, वो मुझे याद आ रही है जो आदरणीय विश्वनाथ उपाध्याय जी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि उन्होंने उसमें लिखा है कि उस गांव में ऐसे ऐसे लोग थे जिस गांव का उन्होंने उसमें वर्णन किया इल्जी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड में, कि उसमें कोई जॉन मिल्टन भी हो सकता था, कोई क्रॉमवेल भी हो सकता था। मैं वही कहना चाहूंगा कि ये ऐसे लोग थे आदरणीय विश्वनाथ उपाध्याय जी जो साहित्य में बहुत ऊंचा नाम कमा सकते थे, बहुत प्रसिद्धि पा सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो अवसर नहीं मिल पाया। वो समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए वो मोती थे, या रेगिस्तान में सुदूर रेगिस्तान निर्जन में खिले हुए वो फूल थे जिसकी महक तो बहुत थी लेकिन महक को महसूस करने वाले लोग उस समय उपलब्ध नहीं थे। आदरणीय विश्वनाथ उपाध्याय जी इसी तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे।